हेलो फ्रेंड्स, मैं चितांशु आप सबको फिर से हेलमेट ट्रक में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वेगा का ग्लव्स के बारे में। तो वेगा का जो कंपनी है, ये ग्लव्स आपका तीन मॉडल में बनाती है। आप देख सकते हो ये तीन ग्लव्स है मेरे पास। तो पहला आता है आपका VZL 17, फिर आता है आपका VZL 18 और लास्ट में आता है VZL 21। तो इन सारे मॉडल के हिसाब से अलग अलग कलर में आते हैं। हर मॉडल का प्राइस भी अलग अलग है, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, उसका प्राइस भी मेंशन किया हुआ है। तो आज हम इनके फीचर्स के बारे में बात करें। फीचर्स के बारे में बात करें तो कंपनी के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, ये वाला जो है आपका ग्लव्स, ये आपका स्पेशल एर्गोनॉमिक डिजाइन से बनाया गया है। वो क्या है, आप उस डिजाइन से कंपनी का जो बोलना है, ये आपको हैंड को पूरा सेफ रखता है और आपका थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाता है और अट्रैक्ट बनाता है। अब हम बात करते हैं इसका जो फैब्रिक के बारे में। ये आपका ब्रेथेबल मैश फैब्रिक है। उसमें क्या है आपका, ये आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा छेद जैसा बना हुआ है और यहाँ पे फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे बनाया हुआ है एयर जाने के लिए। इसमें क्या होता है कि एयर इन होता है और आपका जो राइडिंग करते हो उसमें स्वेट क्रिएट होता है और थोड़ा सा आपका मॉइस्चर भी क्रिएट होता है। उसमें क्या होता है कि राइडर को कंफर्टेबल फील नहीं होता है। एयर अंदर जाने से क्या होता है कि यहाँ पे भी आपका पास हो जाता है। ये फैब्रिक इस डिजाइन से बनाया गया है, ये आपको ड्राई रखता है। अब हम बात करते हैं इसका स्पेशल फीचर्स के बारे में, जो वेगा के सारे ग्लव्स में अवेलेबल है। मैं बताता हूँ आपको, ये राइट साइड का ग्लव्स और ये आपका लेफ्ट साइड का ग्लव्स। तो उसमें क्या है आपका, ये सारे जो ग्लव्स हो आपका टच स्क्रीन जो आप मोबाइल यूज करते हो इसमें यूज कर सकते हो। उसमें क्या है आपका, आप देख सकते हो यहाँ थंब में कुछ अलग से बनाया गया है और आपका इंडेक्स फिंगर इसमें भी कंपनी ने अलग से बनाया हुआ है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप जो मोबाइल फोन यूज करते हो यानी कि लॉन्ग टूर में जब जाते हो तो इन दोनों से आप यूज कर सकते हो। ये आपका मानिए कि ये टच आपका जो होता है टच स्क्रीन वाला जो होता है ग्लव्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो सेफ्टी के बारे में। जब कोलिजन होता है यानी कि कुछ इंसिडेंट होता है तो इसमें क्या होता है कि आपका पूरा आपको सेव कर लेता है। ये TPU बेस मटेरियल से बनाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो रबर देख रहे हो यहाँ पे जो होता है आपका, ये भी आपका TPU बेस है, ये आपको सेव कर लेता है। तो अब हम बात करते हैं इसका जो रिस्ट वेलक्रो डिजाइन जो होते हैं, जो बोलते हैं कंपनी, उसमें क्या है आपका, जब आप रिस्ट में ये डिजाइन वेलक्रो डिजाइन क्या है, जब आप रिस्ट में आप पहनते हो तो इजीली ये क्या होता है, पहन सकते हो आप और इजीली रिमूव कर सकते हो और आपके रिस्ट के हिसाब से ये आपका सही तरह से बैठ जाता है। किसी किसी ग्लव्स में ये बहुत हार्ड होते हैं, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मार्क बन जाता है, उसमें क्या होता है कि राइडर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो इसमें क्या है, आप कहीं पर भी किसी एंगल पर किसी आपका रिस्ट में ये अच्छे से बैठ जाता है और ये आपको पेन नहीं देता है। अब हम बात करते हैं इसका जो आपका पाल्म, देख सकते हो पाल्म में बहुत सारा आपका एंटी स्लिप ग्रेन्स बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि आप जब राइडिंग करते हो तो जब हैंडल को पकड़ते हो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि स्लिप होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और ये मल्टीपल यूज कर सकते हो, साइकिलिंग के टाइम पे, ट्रैकिंग के टाइम पे, स्केटिंग के टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना था, जो वेगा के ग्लव्स के बारे में मैंने जो बताया, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगली बार नई वीडियो लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।